बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरवान आपको अपने चैनल हर्बल हेल्थ गुरु में खुशामदीद कहता है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत नज़र आए, और ख़ूबसूरती के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारी जिल्द नरम मुलायम और सफ़ेद होनी चाहिए। इसके लिए हम तरह तरह के टोटके, टिप्स और क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्रीम्स के इस्तेमाल से हमारी जिल्द डेड होना शुरू हो जाती है, हमारा फेस ग्लो नहीं करता, हमारी स्किन ग्लो नहीं करती, उल्टा साइड इफ़ेक्ट होता है उसका और हमारी जो जिल्द है वो डेड होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक होम रेमेडी लेके आए हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन भी वाइट होगी, आपका फेस ग्लो भी करेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये टिप आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने गंदम का आटा लेना है 1 चम्मच। आपने चक्की वाला आटा इस्तेमाल करना है, फाइन आटा इस्तेमाल नहीं करना। 1 चम्मच आपने गंदम का आटा लेना है। इसमें आपने 1 लीमू काट के आधा हिस्सा इसका जो नींबू का होगा उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है। इसके साथ आपने हल्दी तकरीबन 1.5 से 2 चुटकी आपने इसमें हल्दी मिक्स कर देनी है। हल्दी अगर आपको खालिस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आखिरी इंग्रेडिएंट एलोवेरा। एलोवेरा आप इसका पौधा ले लें, उसका खुद जेल निकाल लें, वो आप इसमें 1/2 चम्मच मिक्स कर लें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये पेस्ट तो एक बन जाएगा आपका। अगर पेस्ट बहुत रफ़ हो, सही मुलायम ना हो, तो आप एलोवेरा जेल इसमें मज़ीद थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने पेस्ट अपने हाथों पे और फेस पे लगाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको आपने लगा रहने देना है। उसके बाद आपने जब फेस और हैंड वॉश करना है तो अच्छी तरह से आपने फिर इसकी थोड़ी सी आपने रफ़ ही आपने इसको रगड़ाई करनी है। इससे आपके मज़ीद जो मैल वगैरह है हाथों में से, आपकी स्किन से, ये निकल जाएगी। कुछ दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपका परमानेंट ये वाइटनिंग आ जाएगी। बार बार की आपको क्रीमें लगानी नहीं पड़ेंगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।